लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इन्वेंटरी स्टार्ट किया था और इन्वेंटरी के बारे में क्या बताया था कि जब हम सामान पैसों के साथ साथ सामान का भी लेन देन करते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। इसके अंतर्गत तीन चीजें बनानी, चार चीजें बनानी होती हैं। पहला हम लोग बनाते हैं स्टॉक ग्रुप। पहला हम क्या बनाते हैं? स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बनाते हैं हम लोग? स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। और बाकी सारा काम वैसे ही होता है जैसे पहले से होता आ रहा है। स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं, इसमें एक्स्ट्रा यही है बस, स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। उसके बाद तीसरा क्या बनाते हैं? मेजरमेंट यूनिट या केवल यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट, ठीक है। और चौथा क्या बनाते हैं? स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है, स्टॉक आइटम बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ स्टॉक कैटेगरी में क्या डाला जाता है। स्टॉक कैटेगरी में डाला जाता है कंपनी का नाम। कोई भी सामान आपने लिया तो वो किस कंपनी का है, सॉरी स्टॉक ग्रुप में, स्टॉक कैटेगरी बोलो, कंपनी का नाम डाला जाता है स्टॉक ग्रुप में। अब कैटेगरी में डाला जाता है कि कौन से टाइप का वो सामान है, ठीक है, आइटम टाइप इसमें डाला जाता है। और यूनिट में यूनिट डाला जाएगा, जरूरी नहीं है कि पीसी से पीसी डाला जाए, पीस होगा, हो सकता है केजी में आपने सामान लिया हो, या सकता है मीटर में या लीटर में लिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बताया था मैंने नॉट्स, जिसको नंबर्स, तो इस सब डाला जा सकता है। इसके अलावा स्टॉक आइटम में क्या करते हैं, हम एक्चुअल नेम डालते हैं, जो सामान का असली नाम होता है वही डाला जाता है इसके अंदर, जिस नाम का सामान होगा जो इसके अंदर डाला जाएगा। तो ये बताया था मैंने, ठीक है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर हम कहें परचेज, लास्ट क्वेश्चन जो था वो छोड़ देते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम टाटा जनरल स्टोर, ठीक है, और क्या क्या लिया है वो सामान का अगर हम लिस्ट यहां पर बना ले, तो पहला सामान हमने लिया है 20 केजी अभी हमें बस सीखना है। तो क्या ले रहे हैं उसे मैटर नहीं करता है, बासमती राइस, और बासमती राइस किसी भी कंपनी का हो सकता है, जैसे इंडिया गेट, ठीक है। और कैसे किलो के हिसाब से है, तो 110 रुपए, तो पहला सामान ये हो गया। दूसरा सामान अगर हम बात करें तो 50 केजी आटा ले लीजिए, और ये किस कंपनी का होगा, तो आहार कंपनी का आता है। तो ये कर दिया एट द रेट ऑफ कैसे रुपए केजी कर दे, 25 कर दिया। उसके बाद में अगर हम तीसरा सामान लें तो 15 लीटर है, ध्यान दीजिए 15 लीटर हमने रिफाइंड ऑयल कर दिया या मस्टर्ड ऑयल कर देते हैं, ठीक है। और ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, फॉर्च्यून, हवाई घोड़ा, जो भी आप मन करें। ठीक है, और रेट क्या चल रहा है इसका, ना बहुत कम हो गया, 170 रुपए हो गया। चलो ठीक है, तो 170 इसका हो गया। ये तीन ही सामान लेते हैं, चौथा अगर मन करे तो कुछ ले सकते हैं। जैसे चौथा सामान हमने ले लिया 25 पीसेस टाटा सॉल्ट, ठीक है, टाटा सॉल्ट, और टाटा जब लगा ही दिया तो ये टाटा कंपनी का ही होगा, और ये कैसे है 20 रुपए, ठीक है। तो ये सामान हमें परचेज करना है किससे,
स्टोर से, समझ में आई बात। ये सामान हमें परचेज करना है टाटा जनरल स्टोर से। अब बताओ कि इसमें अगर मैं इधर बात करूं, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें तीन चीजें हमें चार चीजें बनानी पड़ेगी। पहला हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप का मतलब क्या, स्टॉक ग्रुप। तो कौन कौन से इसमें ग्रुप हो सकते हैं बताइए। तो एक होगा इंडिया गेट, कंपनी का नाम होता है ना ग्रुप में, इंडिया गेट होगा। दूसरा आहार होगा, फिर एक हवाई घोड़ा हो जाएगा, और एक टाटा हो जाएगा, बस केवल टाटा। तो ये हो गया ग्रुप। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में क्या है ये सब, कैटेगरी में फूड आइटम्स एक बार डाल सकते हैं, फूड आइटम्स एक ही साथ लिख सकते हैं अभी के लिए फिलहाल। और अगर यूनिट की बात करें तो कौन कौन सी यूनिट है इसमें, कौन कौन सी यूनिट बनाई गई है, केजी बनाई गई है, लीटर भी है और पीसेस भी है, ठीक है। और बाकी सामान का नाम तो आपको उधर दिख ही रहा है स्टॉक कैटेगरी स्टॉक में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इस क्वेश्चन से, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। ग्रुप में क्या डालते हैं, कंपनी का नाम, कैटेगरी में क्या डालते हैं, सामान का टाइप, और यूनिट में किस यूनिट में उसकी परचेजिंग या सेलिंग होनी है वो डालते हैं। चलिए अब उसको प्रैक्टिकली समझा जाए। इसमें मिल जाएगा ऊपर है क्या, इसे मिलेगा। पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहां से, और कंपनी का नाम कुछ भी रख देते हैं। शांति से बैठो, ठीक है। तो कंपनी बन जाएंगी, और कंपनी बन जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट में जाना है, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट से अब कोई भी काम नहीं होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट बस जब एक साथ ज्यादा बनाना होता है तो यूज होता है। अब हमें हमेशा किससे काम करना है, क्रिएट से। तो क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, जैसे स्टॉक, अगर इन्वेंटरी मास्टर में हम देखें तो स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट दिया हुआ है। तो हमें कहाँ जाना होगा, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप पे, क्रम से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, और स्टॉक ग्रुप एक एक करके बनाएंगे। तो बताइए सबसे पहला स्टॉक ग्रुप किस चीज का बनेगा, हाँ तो कौन सा कंपनी है, इंडिया गेट। पहले ये बना लीजिए ना, पहले सामान बना लेते हैं, फिर लेजर बनते रहेगा। तो सबसे पहली कंपनी हम कौन सा बनाएंगे, इंडिया गेट बना लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए किया, ये एक्सेप्ट हुआ। दूसरा क्या बनाएंगे, आहार बनाएंगे, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट किया। इसके बाद हवाई घोड़ा का बना लेंगे, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद टाटा का बना लेंगे, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारी कंपनीज हो गई, कहां पर बनी, ये कैटेगरी ग्रुप में, ठीक है। अब हम बनाएंगे कैटेगरी, अब हमें क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे, और स्टॉक कैटेगरी में एक ही स्टॉक कैटेगरी हमने माना है, वो है क्या, फूड आइटम्स, ठीक है, फूड आइटम्स हो गया। कंट्रोल ए कर लेंगे, एक्सेप्ट, बैक आ जाएंगे वापस। बात समझ में आ रही है,
तो हमने दो चीजें बनाई, स्टॉक ग्रुप में जाकर जितनी कंपनी थे वो बना ली, स्टॉक कैटेगरी में जाकर केवल एक कैटेगरी था बनाकर फिर वापस चले आए। आप क्या बनाए, स्टॉक आइटम बनाए या यूनिट? तो पहले यूनिट बनाएंगे उसके बाद स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है। तो यूनिट में क्या क्या यूनिट है हमारे पास, एक है केजी, ठीक है। फॉर्मल नेम इसका क्या है, किलोग्राम, फॉर्मल नेम है किलोग्राम। और यहां पर अगर हम डालें केजी तो इसका भी फॉर्मल नेम आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। और कंट्रोल ले कर दिया, तो ये एक यूनिट बन गया। उसके बाद लीटर है, एल टी आर, फॉर्मल नेम क्या है, एल आई टी ई आर, यही होता है ना लीटर का स्पेलिंग, डबल टी होता है, डबल टी होता है। चलो देखते हैं यहाँ पर बता देगा, नहीं बता रहा है। टी आर ई, अच्छा एल आई टी आर ई, अब ठीक है। इसमें अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो चलो चलो, जो भी होगा देख लेना। अब इसके बाद में पीसीएस, पीसीएस, ठीक है। फॉर्मल नेम क्या है, पी आई सी ई, यही होता है ना पीसीएस का। चलो नीचे पता चलेगा, पी सी एस, क्या स्पेलिंग है, पी आई ई सी ई एस, पी आई ई सी ई एस, यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया पी सी एस, पी सी एस, और फिर कंट्रोल ए। तो सारे यूनिट्स भी बन गए। बैक आ जाएंगे हम कहाँ, यहाँ पर मास्टर क्रिएशन, इन्वेंटरी क्रिएशन में, और कहाँ पे पहुंचेंगे, स्टॉक आइटम। देखो यहाँ पर चीजें नहीं भरनी थी, लेकिन स्टॉक आइटम में सब चीज आपको भरना पड़ेगा। स्टॉक आइटम में पहले सामान का नाम बताइए, पहले सामान का नाम क्या है, देख लीजिए यहाँ से, बासमती राइस। तो पहले सामान का नाम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, किस कंपनी का है ये, तो यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको, किस कंपनी का है, इंडिया गेट का है, ठीक है। उसके बाद किस कैटेगरी में आएगा ये, फूड आइटम, ये आप लोगों ने छोड़ दिया था पिछले क्लास में भरना। किस यूनिट का है, तो केजी का है, यानी ये किस में खरीदा जा रहा है, केजी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन डालने के बाद बाकी कुछ नहीं भरना है, इधर इधर का तीन इंफॉर्मेशन आपको भरना ही भरना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल ए किया, पहला सामान बन गया। दूसरा सामान क्या है, आटा है, ठीक है, आटा है। किस कंपनी का है, आहार। कैटेगरी क्या है, फूड आइटम। और यूनिट क्या है, ये भी केजी में ही है, ठीक है। कितना केजी है वो जब हम खरीदेंगे उस समय पता चलेगा, अभी हम सामान बना रहे हैं। और उसके बाद अगला क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, और फिर टाटा सॉल्ट होगा। तो अगला जो है वो क्या है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है। और ये किस कंपनी का है, हवाई घोड़ा, ठीक है, फूड आइटम्स में ही आएगा, और इसको लीटर में लिया जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद क्या है, साल्ट, तो साल्ट है इसके बाद। और ये किस कंपनी का है, टाटा कंपनी, फूड आइटम्स, और उसके बाद ये पीसेस में है, ठीक है। तो जो जैसा लिखवाया गया है वैसे आपको फिल कर लेना है, और ये कंपनी बनकर रेडी हो गया। तो ये क्या बना आपका, चारों चीज बन गया। अब हम बनाएंगे लेजर, और लेजर में किसका किसका लेजर बनाएंगे, तो दो अभी लेजर हमें फिलहाल चाहिए, एक चाहिए परचेज का, एक चाहिए परचेज अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट ही होता है। और दूसरा चाहिए लेजर किसका, नहीं सेल्स का नहीं, किसको बेचे हैं, टाटा जनरल स्टोर। तो दूसरा लेजर हमें चाहिए किसका, टाटा जनरल स्टोर का, ठीक है। टाटा जनरल स्टोर कौन होगा, सन्ड्री डेब्टर और क्रेडिटर, क्रेडिटर होगा, सप्लायर है ना, तो सप्लायर को क्रेडिटर कहा जाता है। चलिए अब सारे हो गए कंप्लीट, और पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम कहां गए, क्रिएट में जाकर हमने सारे इसको, अभी सेल का क्वेश्चन कहाँ लिखवाया, हम तो केवल परचेज का क्वेश्चन कराएंगे ना, सेल का क्वेश्चन जब कराएंगे तो होगा, फिर अगला क्वेश्चन लिखवाएंगे। तो क्रिएट में जाकर हमने क्या कर लिया, इन्वेंटरी बना ली, इन्वेंटरी में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, ये सब बन गए, और लेजर से जिससे खरीदना बेचना है वो सब बना लिया, ठीक है। अब हम कहाँ आएंगे, अब आते हैं बैक, गेटवे ऑफ टैली पर, वाउचर में जाते हैं,
और वाउचर में जाने के बाद में हमें खरीदना है सामान। कौन से वाउचर से खरीदेंगे? परचेज से। आज आपको कंट्रोल एच करके ये नहीं बदलना है, मोड नहीं बदलना है, ठीक है? इसी मोड में आपकी एंट्री होगी। और एंट्री किस प्रकार से होगी? सबसे पहले लिखा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। सप्लायर का इनवॉइस नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है? इनवॉइस नंबर का मतलब समझते हैं ना, जो रसीद आपको मिलेगा इसका, जो बिल मिलेगा उसका नंबर डालना है। पार्टी कौन है इसमें? कैश से आपने खरीदा है या टाटा जनरल स्टोर से? तो टाटा जनरल स्टोर से। और अगर टाटा जनरल स्टोर से खरीद रहे हैं इसका मतलब ये क्या है? उधार है। जब पार्टी का नाम मेंशन होता है तो वो उधार माना जाता है। परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट। और क्या सामान खरीद रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना, नेम ऑफ आइटम, स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ सामान का लिस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बासमती राइस लिया, कितना है? 20 है ना, कॉपी देख के बता दो। रेट क्या लगाए हैं? 110 का लगाए हैं रेट, ठीक है? 110 का रेट लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सामान की ओर। दूसरा सामान क्या है? दूसरा सामान है आटा, जो कि कितना है? 50 होगा, हाँ 50 किलो, 25 रुपए, 15 किलो, चलो तो 50 है और रेट लगाया है 25 का। उसके बाद में अगला आइटम क्या है? मस्टर्ड ऑयल है, और मस्टर्ड ऑयल कितना है? 15 लीटर है, तो 15 लिखा केवल, लीटर वगैरह वो अपने आप ले लेगा। और कैसे है? 100, और कितना रेट लगाए हैं? 170 ही लगाए हैं ना, तो 170 यहाँ पर लिख लेना है, 170 हो गया। और अगला लास्ट आइटम क्या है? तो लास्ट आइटम है सॉल्ट, और सॉल्ट है 25 पीस है ना, और रेट क्या लगाया है? 30 रुपया ये लगाया है। तो टोटल बिल कितने का बन रहा है? 6,750 रुपए का आपका टोटल बिल बन रहा है, ठीक है? बता रहे हैं, पहले इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, पहले इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है? अब आइए वापस गेटवे ऑफ टैली पर। चले ध्यान दीजिए, डे बुक आपने जो एंट्री की है वो कहां पर दिखाएगी? डे बुक के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज, आपका सामान परचेज हुआ कि नहीं हुआ, परचेज होकर आया कि नहीं आया, तो वो चीज आपको मिलेगी यहाँ पर स्टॉक समरी के अंदर। स्टॉक समरी में आप जब देखेंगे तो आपको सारा दिखा देगा कि कौन सा सामान आपके पास कितना अवेलेबल है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े, ठीक है? तो हम जाते हैं डे बुक में। अगर इसका बिल निकालना है तो पहले तो इसको खोल लीजिए, ऐसे ये ओपन हो गया। इसका बिल निकालना है तो यहाँ लिखा है ना प्रिंट, इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे या अल्ट के साथ पी बटन दबाएंगे, करंट प्रिंट करेंगे। पी लिखा तो है, पी के नीचे सिंगल लाइन है तो वो अल्ट के साथ ही होगा। नहीं नहीं इसमें कंट्रोल के साथ ऐसे एक्सेप्ट होता है। अब हाँ अल्ट पी है, अल्ट पी कंट्रोल ए होता है, एक्सेप्ट ये अल्ट पी है, ठीक है? उसमें कंट्रोल के साथ पी होता है, एमएस वर्ड वगैरह में इसमें अल्ट के साथ पी है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो यहाँ पर अल्ट पी से हो गया। अब इसमें तीन ऑप्शन दे रहा है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है? जैसे अभी पहले आप इसको देखो कि इनवॉइस में बता रहा है कि टाइटल तो लिखा रहेगा इनवॉइस, दूसरा बता रहा है कि प्रिंटर कौन सा यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अब ये तो पीडीएफ बनेगा, हो सकता है आपके पास प्रिंटर लगा हो, तो कॉन्फ़िगर करके हम प्रिंटर का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो प्रिंटर का नाम चेंज करने का आपको ऑप्शन दे देगा इसी में, ठीक है? तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, वो सब भी आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, पेपर का साइज कौन सा होगा, लेटर साइज पेपर पे होना है, तो ये सब भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो रिव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपका बिल कैसा जनरेट होगा, ठीक है? अगर प्रीव्यू तो ऐसा ही बिल जनरेट होगा अभी। और अगर आपको जूम करके देखना है तो जूम करिए तो ये पूरा आपको दिखा देगा कि आपका पूरा बिल कैसा जनरेट होगा। कुछ इस प्रकार का, ये जनरेट नहीं हुआ है बल्कि प्रीव्यू देख रहे हैं, ठीक है? हाँ प्रिंट करेंगे तो ऐसा ही आएगा। और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं इसे, हाँ जो डेट डाले होंगे उसके साथ आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो हमारे पास प्रिंटर तो है नहीं और हमने यूज किया है प्रिंट टू पीडीएफ, तो हम क्या करते हैं डेस्कटॉप पर इसको किसी नाम से सेव कर लेते हैं।
टाटा जनरल स्टोर नाम से हमने सेव कर लिया इसको डेस्कटॉप पर। आप चलिए इसको देखते हैं कि डेस्कटॉप पर आया कि नहीं। तो विंडो के साथ डी दबाते हैं हम, डेस्कटॉप पर सीधा पहुंच गए। विंडो के साथ डी दबाकर हम सीधा डेस्कटॉप पर जा सकते हैं और देखिए यहाँ पर टाटा जनरल स्टोर आ चुका है और प्रिंट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो यही है आपका रसीद। निकालिएगा, निकल तो गया। चलो समझ गए ना, तो क्या करना है समझ गए हैं। हाँ, रसीद निकलेगा डे बुक से। जब डे बुक में जाएंगे तो वहां से आप निकाल सकते हैं आसान। पहले एक्सेप्ट करा लेना, उसके बाद रसीद निकाल लेना। अब आते हैं वापस, अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सोल्ड गुड्स टू मोहन प्राइवेट लिमिटेड, या ये प्राइवेट लिमिटेड छोड़ देना, खाली लिखो सोल्ड गुड्स टू मोहन। चलो सोल्ड गुड्स टू मोहन, आप क्या क्या सामान बेचना है। तो पहला सामान जैसे हमारे पास क्या है, 20 किलो बासमती राइस है, तो इसमें से हमने मान लीजिए कि 18 केजी क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। 18 केजी केवल राइस लिखते हैं। अब केवल राइस लिखा है इसका मतलब जो आपके पास राइस होगा वही ना बेचेंगे। और रेट क्या लगाएंगे, रेट हम इसका लगाएंगे 125 रुपया। तो ये हो गया दूसरा सामान। हमारे पास कितना है, 50 किलो आटा है और 50 में से हमने 45 किलो आटा बेचा, 45 केजी आटा हमने बेचा। और रेट क्या लगा दिया उसका, 25 रुपए था, मान लीजिए 28 रुपए के हिसाब से हमने बेच लिया। तीसरा सामान जो है हमारे पास वो कितना है, 15 लीटर ऑयल है। तो 15 लीटर ऑयल में से मान लीजिए कि हमने 12 लीटर ऑयल LTR, 12 लीटर ऑयल, ऑयल लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, जो ऑयल हमारे पास अवेलेबल होगा उसी की बात कर रहे हैं। तो 12 लीटर ऑयल क्या कह रहे, 170 का था ना, तो 180 के हिसाब से बेच दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, साल्ट है और साल्ट भी कितना है, 30 केजी है ना, 30 पैक है। 30 में से मान लो कि 28 पीसेस हमने साल्ट भी बेच लिया, 25 है। अच्छा तो यहाँ पे 25 है तो 22 कर दो या 23 कर दो, चलो 23 पीसेस साल्ट है और रेट हमने क्या लगा दिया इसका, 35 रुपया रेट लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया सोल्ट का क्वेश्चन। और किसको किसको बेचना है वो देखते हैं, किसको बेचना है हमें, मोहन को बेचना है। तो सामान का तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, सामान लिख लिया था ना आप लोगों ने, इसको सामान तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसी सामान को हमें बेच लेना है। 25 वाउचर से सेल्फ वाउचर से बेचते हैं ना, और सेल्फ वाउचर से बेचने के लिए पहले दो लेदर की जरूरत पड़ेगी, एक सेल का लेदर और एक मोहन का लेदर। ठीक है, तो चलिए साथ में ही बना लेंगे, बार बार वहां जाकर बनाने से अच्छा है। हम यहाँ पर सेल्फ वाउचर में गए तो यहाँ कह रहा है पार्टी नेम, कह रहा है ना पार्टी का नाम, इधर देखिए तो लिस्ट में है मोहन नहीं है, तो हम क्या करेंगे अभी क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट जब करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा क्रिएट करने वाला, और इसमें हम क्या देंगे, मोहन अकाउंट दे दिया। मोहन कौन होगा, सन्ड्री, सन्ड्री डेप्टर होगा बिकॉज बायर है। ठीक है, बायर को सन्ड्री डेप्टर कहते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है, फिर कंट्रोल ए एंड फिर कंट्रोल ए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, सेल्स का लेजर, तो सेल्स का लेजर तो है नहीं, तो हम अभी से क्रिएट करेंगे। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप इसका क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा, और फिर कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करा लेना। सामान ऑलरेडी आपके पास है, राइस आपके पास है 20 किलो, 20 से कितना बेचा है, 18 है, रेट लगाया 125 का। और उसके बाद दूसरा सामान बताइए, आटा है, ठीक है, आटा कितना बेचा है, 45 और 28 का रेट लगाया है, 28 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, ऑयल है, तो मस्टर्ड ऑयल है, हाँ बोलिए कितना है, मस्टर्ड ऑयल 12 लीटर और रेट क्या लगा रहा है, 180।
है ना। उसके बाद में क्या है, साल्ट है, और साल्ट का कितना पीस है, 23। रेट क्या लगाया है, 35। तो ये हमारा हो गया 6475 रुपए का यहाँ बिल बन रहा। लिख लीजिएगा इस बिल को, ये आना चाहिए, ठीक है, इसको 475। तो ये खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि अगर हम बैलेंस शीट पर अभी जाते हैं, यहीं से चले जाइए, गो टू बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट पर अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि हमने 6750 रुपए का क्या खरीदा है, सामान खरीदा है, जबकि सामान बेचा कितने का है, 6475 का। लेकिन फिर भी फायदे में है क्योंकि 915 रुपए का सामान अभी भी स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। एक मिनट जरा दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है क्या है, 6750 रुपए का हमने सामान खरीदा है, लिखा है ना, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपके ऊपर उधार है इतना पैसा, और कैसे उधार है, तो किसी ना किसी सन्ड्री क्रेडिटर के थ्रू। कौन है सन्ड्री क्रेडिटर, टाटा जनरल स्टोर, यानी टाटा जनरल स्टोर से हमने 6750 रुपए का सामान परचेज किया था। दूसरा, अगर हम इधर एसेट की बात करें तो एसेट में क्या दिखा रहा है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 915। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है आपके पास कितना सामान अभी स्टॉक में है, तो 915 रुपए का सामान हमारे पास बचा है, क्योंकि हमने सब सामान को क्या किया है, थोड़ा थोड़ा कम करके बेचा है, तो स्टॉक अभी हमारे पास 915 रुपए का बचा है। डेबिटर यानी कितने का सामान आपने बेच रखा है, 6475 रुपए का आपने सामान बेच रखा है, 6475। तो अभी ये आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो यहां पर 640 रुपए बता रहा है, ये फायदा है कि नुकसान है, तो ये फायदा होना चाहिए, ठीक है। फायदा क्यों होना चाहिए, तो देखो जब 600 इस पे क्लिक करोगे, 640 रुपए एंटर करोगे, तो ये बताएगा आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको 640 का हुआ है। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट 640 का हुआ है, तो ध्यान से देखिए, 6750 का सामान था, ठीक है, आपने उसको बेचा कितने में, 6475 में बेचा, और 915 रुपए का सामान अभी भी आपके पास है, तो टोटल आपने कितने का किया, 7390 का। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 640 रुपए अभी आप क्या है, फायदे में है। मतलब ये 915 रुपए जो आपके पास बचा है वो भी आपका फायदा ही माना जा रहा है, और बाकी जो आपको रेट बढ़ा वो भी फायदा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया इसका डिस्कशन, तो पूरा बैलेंस शीट समझ गए, लेकिन अभी इससे काम तो चलेगा नहीं, हमें हमने जिससे खरीदा है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, और जिसको बेचा है उससे पैसे लेने पड़ेंगे। बट क्या अवेलेबल पैसे हैं उतने आपके पास, क्या आप दे सके या ले सके, उतने आपके पास अवेलेबल पैसे भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार और बेच लेते हैं, जो बचा हुआ सामान है उसको भी बेच लेते हैं। किस भाव से बेचेंगे, मोहन से नहीं बेचेंगे, कैश से बेचेंगे, ठीक है। पहले अगला क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं, अगला क्वेश्चन क्या कर देते हैं, ये लिख लो ना, सोल्ड गुड्स टू मोहन की जगह कैश कर दो, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मोहन की जगह कैश कर दिया। और अब बताइए क्वांटिटी कितनी होगी, 18 केजी की जगह कितनी होगी, 2 केजी, 45 की जगह 5, 12 की जगह 3, और 23 की जगह 2, ठीक है। तो यहां पर 2 केजी, 5 केजी, 3 केजी और 2 पीस, ठीक है, रेट यही रहने देना। तो फिर से एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, सोल्ड गुड्स टू कैश, मतलब जो सामान बचा है ना, सब सामान तो उसी रेट में वापस से बेच देना है। यहाँ देखो, पार्टी के नाम पे कैश दे देंगे, सेल्स के लेजर में सेल्स दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या लेना है, राइस है कितना है, 2, ऑटोमेटिक रेट ले लेगा, इसलिए मैंने कहा उसी रेट में बेचना। उसके बाद राइस के बाद क्या है, आटा है 5 केजी, 5 ले लेना, बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, मिटा के लिख सकते हैं, ठीक है। अरे बेचना भाई, क्या कोई मना थोड़ी किया है, आपको जो सामान बनाना है बनाइए, बेचिए, ये तो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा अगर सही से बनाते हैं तो,
उसके बाद आप बिस्तर ही है, मोबाइल घड़ी जो भी है। चलिए ये टोटल सामान है कितने का, 1000 का हो रहा है, ठीक है। 940 का हमारे पास स्टॉक में पड़ा था, तो वो किसके हिसाब से दाम दिखा रहा था, जो हमने खरीदा था उसके हिसाब से, लेकिन बढ़ा के बेचा है तो टोटल 1000 का। तो 1000 का सामान हमारा बेचा जा रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से चलते हैं बैलेंस शीट में, गो टू बैलेंस शीट, और यहाँ देखिए कि अब हमें जो टोटल मुनाफा हो चुका है वो कितना हो चुका है, 725 रुपए का। तो ये आपका बैलेंस शीट आना चाहिए, ठीक है, ये बैलेंस शीट आपका आना चाहिए। बैलेंस शीट में क्या होगा, संडे डेप्टर के नाम पे कितना है, ध्यान से देखो, संडे डेप्टर के नाम पे कितना है, 6475, वही मोहन के नाम पे, कंट्रोल Alt F1, Alt F1। चलो इतना हो गया। अब दो क्वेश्चन और बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, कि ये जो डेप्टर को हमने सामान बेचा है उससे पैसे लिए जाए, और क्रेडिटर से जो हमने सामान खरीदा है उसको पैसे दिए जाए। तो डेप्टर से कितना लेना है, 6475, जबकि क्रेडिटर को कितना देना है, 6750 रुपए देने हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आ जाएंगे वाउचर में, और रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले जाएंगे, और रिसिप्ट वाउचर में किससे पैसे लेने हैं, हमें मोहन से लेने हैं। कितने लेने हैं, तो वो उसके नाम के नीचे लिखा हुआ है 6475, तो ले लेंगे 6475 रुपए ले लेंगे। और लेने के बाद ऑन अकाउंट, मतलब नगद होता है, नगद में डाल देंगे, और ये पैसे लेके रखेंगे कहाँ, कैश के अंदर, ठीक है। तो कैश में आ गए कितने, टोटल 7475, कैसे, यहाँ तो 6475 ले रहे हैं, और 1000 का सामान हमने कैश से ही बेचा था ना, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 7475, 6475 यहाँ के, और 1000 पहले से था इसमें, कैश से जो बेचे हैं सामान उससे, तो ये हो गया कंट्रोल ए। दूसरा अगर हम बात करें कि अब हमें पेमेंट करना है, तो हमारे पास कितना है, 7475 रुपए है, और हमें पेमेंट करने हैं टाटा जनरल स्टोर को। कितना पेमेंट करना है टाटा जनरल स्टोर को, 6750 रुपए हमें पेड करने हैं, ऑन अकाउंट ले लेना यहाँ पे, और इसके बाद कहाँ से पेड करने हैं, ये कैश से। तो कैश में अब कितना रह गया हमारे पास, 725, जो कि हमारा बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन का डी एंड। दोनों को वो तो बना लीजिएगा, टेप से जाके निकाल लेना, परचेज कितना का टोटल किए थे,